अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद, रियल उस्ताद से। सस्ता प्लॉट इम्पॉसिबल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस मुश्किल टाइम के अंदर हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने मुश्किल वक्त के लिए सेविंग करूँ। कुछ मुश्किल वक्त के लिए इंश्योरेंस कराते हैं कि यार अल्लाह ना करे अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो चलो इंश्योरेंस कवर हमारे पास होना चाहिए, या ओल्ड एज बेनिफिट कवर होना चाहिए, या फिर चाइल्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए। कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर कि चलो यार हमारा पैसा बढ़ता भी रहेगा और हमें महाना कुछ ना कुछ मिलता भी रहेगा। कुछ लोग कमेटी डालते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टोस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो अच्छी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लेता है, वो इस्लामाबाद में खरीदता है, कराची में लेता है, वो 18 में लेता है, औरम 1 के अंदर लेता है, सेंट टॉरस अपार्टमेंट मॉल के अंदर कोई शॉप्स ले लेता है या अपार्टमेंट्स ले लेता है। जिसके पास कम पैसे होते हैं वो DHA और बहरिया टाउन की तरफ देखता है, और कम पैसे होते हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी पार्कव्यू सिटी की तरफ देता है, और जिसके पास और कम पैसे होते हैं यानी जिसके पास ऐसे पैसे होते हैं कि यार मैं 3 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की डाउन पेमेंट अदा कर सकता हूँ और चलो मैं उसके अंदर इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोडक्ट लिस्ट ले लूँ 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो वहाँ इन्वेस्ट करता है। लेकिन सस्ता प्लॉट इम्पॉसिबल है, इस बात को ज़रूर याद रखें। जब ये तमाम लोग प्लॉट लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं तो मार्केट के अंदर या तो वो अखबार की तरफ देखते हैं या फिर YouTube चैनल्स, Facebook और बहुत तरह के और भी मार्केटिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। एक ऑड ऐड उनको मार्केट के अंदर नजर आते हैं। वैसे तो लोग बहुत अच्छे अच्छे ऐड्स बनाते हैं, लेकिन मार्केटर उनको ये बता रहा होता है कि यार अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ना लो 30 लाख रुपए की, ऑल्टो ना लो, एक 12 लाख रुपए का 5 मंडे का भैया प्लॉट ले लो। यानी मतलब वो 5 मंडे का प्लॉट होगा जो मुझे सुबह मेरे घर से दफ्तर लेके जाएगा और दफ्तर से घर लेके आएगा और वो मेरे घर के सारे काम तमाम करेगा या जो भी सौदा सल्फ होगा वो लेकर आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सुबह का नाश्ता कर रहा है तो मैं नाश्ता ना करूँ 200-300 रुपए का, 1000 रुपए का, मैं एक पेन ले लूँ और फिर उस पेन से क्या करें भैया। तो खैर हमें इस तरह की मार्केटिंग देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इन मार्केटिंग से फायदा उठाते हैं। फिर मैं कहूँगा सस्ता प्लॉट इम्पॉसिबल। सस्ता प्लॉट क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ये बात बहुत ऑड है। और एक रियल्टर जो आपको सस्ते प्लॉट इससे पहले बेच चुका है वो आपसे ऐसी बात क्यों कहने लगा। देखिए सबसे पहले हमने पिछले इन 3 सालों के अंदर देखा कि पाकिस्तान के अंदर बे इंतहा इन्फ्लेशन हुई। अगर सिर्फ हम गाड़ियों की ही मार्केट को देख लें तो 26 से 27 लाख रुपए में बिकने वाली होंडा सिटी आज 50 क्रॉस करी गई है, 50 से 60 लाख रुपीज़ के अंदर ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रही है। होंडा सिविक नई गाड़ी जो तकरीबन 55 से 65 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर लॉन्च हुई थी आज 1 करोड़ को अस्सलाम वालेकुम कर रही है, उससे भी क्रॉस कर गई है। चलो ये तो छोड़ो, इन्फ्लेशन की बातें नहीं करते यार, ये बड़ी डिप्रेसिंग बातें हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है कि एक इलाके को डेवलप करना, क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया है और हर चीज़ हमारे हाथ से निकलती जा रही है, तो इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट भी महंगी हो गई है। तो जिस सोसाइटी ने आपको 8 लाख रुपये का, 13 लाख रुपये का, 18 लाख रुपये का, 25 लाख रुपये का, 30 लाख रुपये का, 50 लाख रुपये का प्लॉट दिया था, वो मुमकिन है कि आपको डिलीवर ना कर सके क्योंकि इतना सस्ता कुछ नहीं है भाई इस टाइम के ऊपर। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग अपनी हक की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई ये समझ रहा है कि हम हक के ऊपर हैं, फलाना गलत है, फलाना मुश्किल आदमी है, ये कह रहे हैं कि वो मुश्किल आदमी है, और मुल्क एक शदीद अजीब से टर्मोइल के अंदर चल रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब इस टाइम के ऊपर कि जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ है और हर किसी को पता है कि यार मुल्क के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, तो मामला ख़राब हैं, मुश्किल हैं। उसके अलावा डॉलर इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, इस तरीके से ग्रो कर रहा है क्योंकि तमाम इकोनॉमी, तमाम ट्रेड डॉलर के ऊपर होता है, तो हम उसको हाथ नहीं डाल पा रहे, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स भी अब करना चाह रहे हैं तो शायद नहीं कर पा रहे, और हम एक ज़बरदस्त टर्मोइल की हालत में हैं। जिस ज़मीन के ऊपर हम अपनी प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं, हम बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ देख रहे होते हैं, फलाना चक्री रोड के ऊपर लोकेटेड है, अडयाला रोड के ऊपर लोकेटेड है, चकबेली रोड के ऊपर लोकेटेड है, कुरी रोड के ऊपर लोकेटेड है, जहाँ भी लोकेटेड है भैया, वो ज़मीनें उतनी सस्ती नहीं होती जितना सस्ता ये आपको डेवलपर प्लॉट बेच रहे होते हैं। और इनके बेचने के साथ साथ ये बे इंतहा ओवर सेलिंग करते हैं, यानी अगर 100 प्लॉटों की जगह होती है तो 1000 प्लॉट्स बेच देते हैं मार्केट के अंदर, और ये 1000 प्लॉट्स बेचने वाले होते हैं आपके रियल्टर्स आपको कहते हैं कि भाई आपकी इस्तेमाल है 10 प्लॉटों की, मैंने आपके लिए 10 प्लॉट बुक करा दिए हैं, सर आपको इससे अच्छा सौदा इस वक्त नहीं मिलेगा, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर लें या रियल इस्टेट का अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का, फलाना दुकान में इन्वेस्ट कर लें या फलाना मॉल में इन्वेस्ट कर लें, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, बस मैंने आपके लिए कर दिया, आप मेरे दोस्त हैं, आ रहे हैं, आ जाएँ ले लें,
फिर फ्यूचर ये होता है कि यार अगर आपके पास किस्तें नहीं है, कुछ लोग इस कोशिश में ही मरमरा जाते हैं कि उनको कुछ मिलेगा, कुछ लोग मर्जिंग करा लेते हैं फाइलों की, कुछ लोग बीच में बेच बाच के निकल जाते हैं, प्लॉट 100 के ही होते हैं या फिर वो जो 900 एक्स्ट्रा होते हैं उससे सोसाइटी एक्स्ट्रा ज़मीन परचेज करती है, एक्स्ट्रा फ़ायदे लेती है, फंक्शंस करती है, इंजॉय करती है, खापे लगते हैं उन पैसों से। मैं ये नहीं कह रहा मेरे दोस्तों कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मुमकिन है आपको हाउसिंग सोसाइटी ज़रूर प्लॉट दें, मुमकिन है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुमकिन है कि वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगाएं डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, मुमकिन है वो आपके ऊपर यूटिलिटीज और सर्विसेज की मद में एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगाएं, मुमकिन है वो आपको इन्फ्लेशन या एस्केलेशन कॉस्ट्स ना लगाएं, और चलो अगर ये लगा भी दें और आपको प्लॉट दे दें तो कोई मुजायका नहीं है, मुमकिन है वो आपको कल कोई प्लॉट ना दें जो कि आप सस्ता ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल रियल उस्ताद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्रिप्शन हमें ज़रूर दें, अपने कमेंट्स में ज़रूर हमसे बात करें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अस्सलामुअलैकुम।